हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के प्रैक्टिकल जो परीक्षा होता है, प्रोजेक्ट जो की जो फाइल बनानी होती है सारे सब्जेक्ट के, वो किस महीने में आपको जमा करना होता है और कहाँ जमा करना होता है और किस प्रकार से फाइल हमको बनाना होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्रत्येक वीडियो में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया नई नई जानकारियाँ जो है मैं लगातार जो है देते जा रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो में अपन जानेंगे कि प्रैक्टिकल का जो डेट शीट है वो कब होता है और कैसे बनाया जाता है, किस किस विषय पर प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है। एक बार मैंने एक महीना पहले और एक अपडेट दिया हुआ था, है ना, लेकिन चूंकि अभी परीक्षा पास है इसलिए इस का अपडेट जो है फिर से मैंने इसमें देने जा रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ जो आपका जो परीक्षा का जो टाइम टेबल है उसकी भी इसमें खबर देने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, देखिए न्यूज़पेपर में आया हुआ है इसी फरवरी महीने में। इसके पहले मैंने अपडेट में बताया था कैसे डाउनलोड करें करके, तो उसी प्रकार आप लोग अपने मोबाइल से जो है टाइम टेबल को डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले जैसे वीडियो में बताया गया था, है ना। इसी महीने जो है वो आने वाला है, कुछ ही दिन में, इसी सप्ताह में जो है लगभग आपका टाइम टेबल आ जाएगा। आइए जानते हैं कि प्रैक्टिकल जो परीक्षा होता है ये कब बनाना होता है हमको प्रोजेक्ट और किस किस विषय का। तो कक्षा दसवीं और बारहवीं दोनों की बात करते हैं। पहले कक्षा दसवीं और बारहवीं के दोनों के बारे में बता देता हूँ। जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, यानी आपका जब डेट शीट आएगा, जैसे पहला हिंदी का पेपर हुआ, हिंदी के पेपर में जब जिस दिन आप जाएंगे, और सेकेंड पेपर मान लो गृह विज्ञान या होम साइंस हो गए, तो हम सबके पता है कि होम साइंस में हमको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। तो जिस दिन आपका परीक्षा का डेट रहेगा उसी दिन आपको परीक्षा केंद्र में इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर मान लो ऑफलाइन पेपर होगा तभी आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना होगा। यदि ऑनलाइन परीक्षा होता है तो कोई भी प्रकार से प्रोजेक्ट फाइल असाइनमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल की कोई प्रकार से फाइल नहीं बनाना पड़ता। असाइनमेंट का जो है अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि इन लोग देना नहीं चाह रहे हैं असाइनमेंट, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से परीक्षा लेना चाह रहे होंगे, इस वजह से आपको जो प्रैक्टिकल का फाइल है वही बस बनाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि जिस दिन आप परीक्षा केंद्र जाते हैं और उसका एग्ज़ाम दिलाते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, जिस दिन उसका पेपर होगा उसी दिन आपको दूसरे दिन फाइल जो है जमा करना होता है। इसका अलग से कोई डेट शीट जारी नहीं किया जाता। इसी प्रकार होम साइंस है, है ना, विज्ञान है, कक्षा दसवीं के लिए बता रहा हूँ और बारहवीं के लिए पहले ही बता दिया, गृह विज्ञान होता है, बायोलॉजी, जितने भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं वे सारे सब्जेक्ट का स्क्रीन में लिख दिया हूँ मैं, है ना, उनके जो है प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का फाइल आपको बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाना है उसका एक वीडियो अलग से, प्रति सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें सारी जानकारी है उसमें रहेगा कि किस प्रकार से आपको फाइल बनाने होंगे। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को शेयर करना है, सारे वीडियो को, सभी वीडियो को मेरे, ताकि सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचता रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल बनाना ही पड़ता है दोस्तों। हाँ, तो डेट शीट भी मैंने बता दिया इस वीडियो में कि कब बनाना पड़ता है और परीक्षा केंद्र में ही उसको जमा करना होगा। धन्यवाद।